बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान इन दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। खबर है कि वे और उनके पति हितेश सैनिक एक दूसरे से अलग हो गए हैं। उनकी 8 साल पुरानी शादी इस लॉकडाउन के दौरान खत्म हो गई। खबरों के मुताबिक सुनिधि और हितेश पिछले कुछ दिनों से अलग रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को लोगों के सामने नहीं आने दिया है। और जब भी उनसे इस बारे में कुछ पूछा गया तो उन्होंने लोगों से कुछ भी बात करने से मना कर दिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुनिधि हितेश और उनके दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर गई थी। वहां से वापस आने के बाद उनके बीच बात काफी बिगड़ गई है, इस बात की जानकारी सूत्रों से मिली है। सुनिधि और हितेश की शादी को 8 साल हो चुके हैं। 2 साल तक वे एक दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने 2012 में शादी कर ली थी। ये शादी गोवा में एक ग्रैंड रिसेप्शन के साथ हुई थी। वहीं शादी के 5 साल बाद 18 जनवरी 2018 को सुनिधि ने एक बेटे को जन्म दिया। वे अक्सर बेटे के साथ सोशल मीडिया पर फोटोज डालती रहती थी। इसके अलावा ये सोशल मीडिया अकाउंट पर ज्यादातर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी चीजें शेयर करती हैं। हालांकि ये सुनिधि की दूसरी शादी है। सुनिधि ने इससे पहले 2002 में 18 साल की उम्र में शादी कर ली थी। उनकी पहली शादी कोरियोग्राफर बॉबी खान के साथ हुई थी। शादी के लगभग 1 साल बाद दोनों अलग हो गए थे। हालांकि इन खबरों पर विराम लगाते हुए सुनिधि के पति हितेश ने कहा है कि सभी बातें महज एक अफवाह हैं। हितेश ने मजाकिया अंदाज में कहा है कि शायद उनके घर के काम से उनकी बीवी खुश नहीं है, इसलिए ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक सुनिधि ने कोई भी टिप्पणी नहीं की है। नवद टाइम्स के लिए नैना शर्मा की रिपोर्ट।